कैसे हैं आप सर? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेल मर्ज। अब मेल मर्ज होता क्या है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें आपके पास एक डेटा है, सही, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब वो हर साल जो है एक लेटर होता है, अब वो प्रमोशन लेटर हो सकता है, वो कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। या तो वो वैकेंसी जब आती है तो किसी को जॉब ऑफर करनी है आपने, तो वो एक लेटर लिखा जाता है। अब क्या आप हर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं आपके पास हज़ारों की तादाद में, तो क्या आप हज़ार की तादाद में बैठ के लेटर टाइप करोगे सबके लिए इंडिविजुअल? तो ये बेवकूफ़ी होगी और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेल मर्ज में हमारे पास जो पहली चीज़ है वो होता है डेटा, कि हमारे पास लोगों का डेटा होना चाहिए, जैसे उनका नाम, एड्रेस, ईमेल, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, उनका नाम और उनका फादर नेम और उनका एड्रेस और सिटी वगैरह, ठीक है। डेटा होगा आपके पास, और दूसरा होगा लेटर जो आप टाइप करोगे, ठीक है। एक ही लेटर आप टाइप करोगे एक बार, लेकिन फिर मेल मर्ज का यूज़ करके आप वो एक ही लेटर सबको सेंड करोगे एट अ टाइम, एक ही टाइम में आप सबके पास वो लेटर चला जाएगा, ठीक है। अब वर्ड में, और उसको आप एक ही टाइम में प्रिंट भी कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो इंडिविजुअली, अगर कहीं आपको किसी डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब होता कैसे, हम अभी सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक लेटर टाइप करूँगी कंट्रोल वी करके, क्योंकि ये मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ था, सही। तो यहाँ जो है वो हम चेंजिंग करेंगे, जहां जहां कंपनी नेम है वहां हम अपनी एकेडमी का नाम लिखेंगे, सही। इस तरीके से आपने क्या किया, एक लेटर जो है वो टाइप कर दिया। ये एक जॉब ऑफरिंग लेटर है,
है, ये था मेरे पास एक लेटर, लेटर हमने टाइप कर लिया। अब मेल मर्ज कैसे करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मेल मर्ज के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेलिंग टेप में आना है। मेलिंग टेप में आने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, क्या लेटर करना है, ईमेल, मैसेज, इनविलॉप, लेबल, डायरेक्ट्री। लेकिन हमने क्या सेलेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, मतलब ये हमें स्टेप बताता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज किया मैंने। अब यहाँ साइड पे देखें, एक पैनल ओपन हो गया, ठीक है। ऊपर आपको उसने बोला है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कि डॉक्यूमेंट आपका किस टाइप का है वो। और नीचे देखें तो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, 1 of 6, मतलब कि अभी आप स्टेप नंबर 1 पे हैं, टोटल आपके स्टेप्स कितने हैं, 6, ठीक है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, हम किस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, लेटर पे कर रहे हैं, तो मैंने लेटर को चेक किया। और क्या बोल रहे हैं, लेटर, सेंड लेटर टू ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन पर्सनलाइज द लेटर दैट ईच पर्सन रिसीव। आप क्या कर रहे हो, ग्रुप ऑफ पीपल को ये लेटर सेंड कर रहे हो। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। आपने क्या करना है, अब इस नेक्स्ट पे आके स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब अगेन इसने आपको ऑप्शन दे दिए, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है वो सेलेक्ट करना है, या आपने टेम्पलेट बना बनाया टेम्पलेट यूज करना है, या जो आपका अभी करंट डॉक्यूमेंट है जो ओपन हुआ हुआ है ये यूज करना है। मैंने कहा यूज अ करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ गए, सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ बता रहे हैं कि भाई किन लोगों को भेजना है, अपने रेसिपिएंट आपने सेलेक्ट करना है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट आपने बनाई हुई है वो पहले से बनी बनाई, या आपने आउटलुक कॉन्टैक्ट लेने, आउटलुक भी एक सॉफ्टवेयर है जहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जहाँ आपका डेटा होता है, वहाँ से आपने लेनी है, या आपने न्यू लिस्ट खुद टाइप करनी है, या आपने कहीं पहले से फाइल जो है बना के रखी हुई उसको आप ब्राउज करना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैंने एक्सेल में आप लोगों का ही डेटा रखा हुआ है, ठीक है, मैं वो वहाँ से ब्राउज करूँगी। मैंने ब्राउज पर क्लिक किया और अपनी ड्राइव में आके यहाँ देखें, स्टूडेंट डेटा के नाम से मैंने फाइल बनाई हुई है, एक्सेल की फाइल है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया। अब देखें इस फाइल के अंदर मेरे पास शीट्स हैं, क्योंकि एक्सेल में हम जब काम कर रहे होते हैं, वर्कबुक होती है उसमें शीट्स होती हैं, ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब एक वर्कबुक के अंदर आपके पास 5 शीटें भी हो सकती हैं, आपके पास 12 शीटें भी हो सकती हैं, आपके पास सिंगल शीट भी हो सकती है। तो मेरे इस वर्कबुक में कितनी शीट्स हैं, एक ही शीट है, ठीक है। तो मैंने इस शीट को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने किया ओके। अब ओके करने के बाद इसने मुझे दिखाई है कि भाई आपकी शीट ये है, ठीक है। क्या है, सबसे पहले ईमेल एड्रेस है, स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है, और व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ इसमें से एक बच्चे को मेल भेजनी है, दो को भेजनी है, तो सिर्फ उसको मैं चेक करूंगी। अगर मुझे सबको भेजनी है तो मैं सेलेक्ट ऑल कर लूंगी, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया। अब नीचे आपको इसने फर्दर ऑप्शन दिए हैं सॉर्ट का, कि आपका जो डेटा है ये सॉर्ट हुआ हुआ नहीं है, जैसे सोबिया पहले आ रहा है तो नेहा बाद में आ रहा है, इस तरह मुझे इकरा पहले आना चाहिए था, फिर नेहा, फिर सोबिया, फिर सना, ठीक है। तो अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, सही। लेकिन मैं इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ी, मैं कह रही हूँ जैसा है वैसा ही है, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद राइट योर लेटर, आपने अपना लेटर लिखना है, मैंने तो पहले से लिखा हुआ है, तो राइट योर लेटर पे आने के बाद अब क्या करना है, डियर के बाद मैं चाह रही हूँ आपका नाम आए, ठीक है। तो डियर के बाद मैंने कर्सर रखा, अब यहाँ जो है ना राइट एंड इंसर्ट फील्ड में आप आ जाओगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड इसको सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए, कौन सी फील्ड आनी चाहिए, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम पे क्लिक किया मैंने, स्पेस दिया, अगेन मैंने इसको क्लिक किया, फादर नेम, ठीक है, या फादर नेम नहीं देते, सिर्फ स्टूडेंट नेम, सही। और यहाँ क्लिक करके मैं चाह रही हूँ इसके स्टार्ट में जो है ना स्टूडेंट का नाम भी आए, उसका फादर नेम, उसकी ईमेल, उसका एड्रेस, सिटी, जो जितना भी डेटा मेरे पास है वो लेटर के स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। तो इंसर्ट इस पे आने के बाद मैंने क्या क्या लिखा, सबसे पहले स्टूडेंट नेम, स्पेस दिया, इसी के सामने इसका
फादर नेम, इंटर करके हम नीचे आ गए और फिर इस पर क्लिक किया, उसके बाद क्या आना चाहिए, ईमेल एड्रेस, फिर नीचे इंटर किया, अगेन इसको क्लिक किया, अब कौन सी फील्ड आनी चाहिए, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये बहुत नीचे चला गया, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ फील्ड नेम लिखे, यहाँ हम आए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, इस पर जाके हमने जो जो फील्ड हमें चाहिए थी वो हमने सेलेक्ट करके जिस जगह चाहिए थी उस जगह पे जाके कर्सर रखा, फिर एंटर किए। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू योर लेटर्स, यहाँ स्टेप नंबर 4 पे आ जाना है। प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करेंगे जब, तो अब देखें जहाँ जहाँ मैंने जो टाइटल दिए हुए थे, जो फील्ड दी हुई थी, जैसे नेहा उस्मान, मोहम्मद उस्मान, फिर उसकी ईमेल एड्रेस, फिर उसका नंबर। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ देखें प्रीव्यू योर लेटर पे हम कौन से रेसिपिएंट में, नंबर 2 पे। अगर मैं इसको बैक करूँगी तो नंबर 1 का आ गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, अब देखें मैंने किसी का भी जो है नाम नहीं लिखा था, सना फिदा, तो फिदा हुसैन, और फिर उसकी ईमेल और ये नंबर, ये मैंने सब टाइप नहीं किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ वहाँ से कॉलम्स डेटा अपना सेलेक्ट किया और यहाँ इसके साथ मर्ज करवा दिया, ये आ गए मेरे पास सारे। अब उसके बाद क्या है, कंप्लीट द मर्ज, कंप्लीट द मर्ज किया मैंने। अब उसके बाद मुझे ऑप्शन दे रहा है, एडिट इंडिविजुअल लेटर, आपने इंडिविजुअल एडिट करना है, तो अगर इंडिविजुअल एडिट करेंगे तो ओके करोगे। देखें आपके पास ना सारे लेटर आ जाएंगे, सोबिया का आ गया, उसके बाद ये नेहा का लेटर आ गया, उसके बाद इकरा का लेटर आ गया, हालांकि लेटर हमने एक ही दफ़ा लिखा था, फिर ये सना का लेटर आ गया। समझ में ही बात, मेल मर्ज का कितना फ़ायदा होता है, एक होता है ये इंडिविजुअल, आपने ये करना था। मेलिंग में आऊँगी मैं, तो उस तरीके से आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल नहीं करना और उसके बाद है राइट योर लेटर, प्रीव्यू योर लेटर, कंप्लीट, प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपल प्रिंट पे क्लिक करोगे तो सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने सेंड करना है यहीं से, तो फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ भी आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट इंडिविजुअल, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड ईमेल। अगर आपको ईमेल से सेंड करना है तो आप सेंड ईमेल मैसेजेस करोगे। अब किसके थ्रू करना है, ईमेल एड्रेस किस थ्रू हम सेंड करेंगे ना, तो ईमेल एड्रेस को यहाँ क्लिक किया और ये मेल फॉर्मेट पूछ रहा है, तो मेल फॉर्मेट आपने HTML रखनी है, और ऑल रिकॉर्ड, सेंड ऑल रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं सबको सेंड करना है, हमने कहा हाँ ऑल करना है। अगर करंट रिकॉर्ड सिर्फ एक ही सोबिया को सिर्फ भेजना था तो हम करंट रिकॉर्ड करते, और अगर किसी एक का नाम लेकर दूसरे तक, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर मुझे ऑल करना है तो मैंने ऑल पे क्लिक करके ओके किया, उन्होंने कहा एड यू वॉन्ट अ सब्जेक्ट बिफोर यू सेंड योर मेल, अगर करना चाहते हैं सब्जेक्ट तो ऐड अ सब्जेक्ट करेंगे, अगर नहीं करना चाहते सब्जेक्ट को ऐड तो सेंड एनीवे करेंगे। अगर ऐड अ सब्जेक्ट करोगे तो ये सब्जेक्ट लाइन है ना आपके पास, यहाँ जैसे मैं कहूँ जॉब ऑफर, ठीक है, और ओके करेंगे। अगर आपका आउटलुक का अकाउंट बना हुआ होगा आउटलुक का, तो ये जो है ना आउटलुक के थ्रू जो है वो सेंड हो जाते हैं, सही है। लेकिन मेरा जो है वो आउटलुक का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती कि किस तरीके से ये जो है ये सेंड हुआ है। ठीक है, अगर आउटलुक का अकाउंट बना हुआ होता, यहाँ पे, यहाँ आउटलुक का आप अकाउंट बना सकते हो, तो फिर जो है आपका जो डेटा है वो आउटलुक के थ्रू सेंड हो सकता है। ठीक है, और सबके पास जो है वो ईमेल सेंड हो जाएगी।
यहाँ तक समझ आ गया? और अगर यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे, ऑल करेंगे और ओके करेंगे, तो ये देखें प्रिंटर से जो है ये आपका प्रिंट हो सकता है। फिर ओके करोगे तो जो है प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारे पास जो है वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये समझ आ गया आपको? अच्छा, ये तो था कि हम जो है वो एक्सेल से अपना डेटा उठाते हैं, ठीक है? एक्सेल हम पढ़ेंगे कि एक्सेल में हम डेटा कैसे बनाते हैं। और अगर जो है एक्सेल की शीट ना हुई मेरे पास, सही है, मैं अभी जो है खुद से डेटा पार्टिसिपेंट के जो नाम वगैरह होते हैं रेसिपेंट के, वो अगर मैं खुद से लिखना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करूँगी? मैं अगेन इसको बंद कर दूँगी, ठीक है? और दोबारा से जो है हम एक और लेटर मेल मर्ज देखेंगे। इस लेटर को जो है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ एक दफा। इसको सेव करते हैं हम। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया मैंने, कंट्रोल वी किया, तो ये देखें एक लेटर जो है वो मेरे पास टाइप हो गया। एक सेकेंड, एतरो वडो तो जो काकड़ो यूट्यूब पे तो जो वही मैं आवाज़ हूँ जेको तो रड़ियो कहीं पे मुंह खाली मुंह कहीं मैं नगनी मुखा धावल मेहरबानी कर वंता का दर बंद कर रहे काकड़ो हेठ कर रेडी ना करो गले का आराम से भी गले से सबो सॉरी। अच्छा तो हम देख रहे थे मेल मर्ज ना। अब एक तो तरीका वो था कि हम एक्सेल से शीट लेकर किस तरीके से मेल कर सकते हैं। अब अगेन हम मेलिंग में आएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप लेटर को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है? और नीचे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब देखें पहले हमने क्या किया था, ब्राउजर से जाके डेटा लिया था, सही है? अब मैं चाह रही हूँ मैं खुद से लिस्ट बनाऊँ, टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है? टाइप अ न्यू लिस्ट करके क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के बाद आपको जो है ये फील्ड फिर बना के देनी पड़ेगी, टाइटल देना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? और टाइटल के बाद आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अगर चाह रहे हो आप इतनी सारी एंट्रीज ना दो, कस्टमाइज कर दो कॉलम्स को, तो अब कस्टमाइज करने में क्या आ जाएगा, टाइटल है ना, टाइटल में नहीं चाह रही तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? कंपनी नेम, एड्रेस को भी मैंने डिलीट कर दिया, एड्रेस टू को भी मैंने डिलीट कर दिया, सिटी है, जिप कोड भी डिलीट कर दिया। इतनी सारी हमारे पास फील्ड है ना बाय डिफॉल्ट, तो हम सिर्फ वो रखेंगे जो हमें चाहिए होंगी। इसको भी डिलीट कर दिया हमने, होम फोन सही है, वर्क फोन को भी डिलीट कर देते हैं हम और ईमेल रहने देते हैं, ठीक है? और इसको रीनेम करके सिर्फ फोन कर देते हैं। ओके किया, सही, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास जो फील्ड है वो ये सारी फील्ड आ गई। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से एंट्री करनी पड़ेगी। अब जैसे सबसे पहले इकरा और लास्ट नेम जमील,
फिर यहाँ कंपनी नेम हमारा क्या है, सुपीरियर एकेडमी सिटी कराची, और फ़ोन नंबर दे दिया हमने। फ़ोन नंबर देने के बाद अब इसका जो है इकरा की ईमेल लिखनी पड़ेगी हमें, gmail.com। ठीक है, ये ओके किया तो ये एक एंट्री आ जाएगी आपके पास। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, उसमें ऐड रिकॉर्ड करके क्रिएट पे जाके इस तरह फिर न्यू एंट्री करोगे। ठीक है, एक एंट्री आपने पहले की, उसके आगे न्यू एंट्री करके सारी एंट्रीज करते जाओगे, फिर ओके कर दोगे और उसके बाद आगे सारा वही काम होगा। ठीक है, एक ये तरीका था। और दूसरा ये था, अभी जो सोबिया ने लेट ज्वाइन किया, मैं दोबारा बता रही हूँ, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ब्राउज में आएंगे, ब्राउज में आके हम क्या करेंगे, लोकल डेस्क ई, यहाँ से अपनी एक्सेल का डेटाबेस ले लेंगे, जो एक्सेल में मैंने पहले से रिकॉर्ड बना के रखे ना, ये टाइप अ न्यू लिस्ट में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी कि हमें सारे रिकॉर्ड अब एंटर कराना पड़ेगा। अगर हम एक्सेल में ही पहले से अपना डेटा बना के रखते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, सारा डेटा हम उनका पहले स्टोर करके रखते हैं, सही, एक्सेल में, तो एक्सेल में हम सिंपल वो शीट उठाएंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये शीट हमने सेलेक्ट की, ओके किया। ओके करने के बाद ये आपको फर्दर ऑप्शंस देगा कि सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना है इनको, ओके किया सिंपल। राइट योर लेटर लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है, डियर के बाद मैं चाह रही हूँ इसका नाम आ जाए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में आने के बाद स्टूडेंट नेम आ जाएगा, सही। और अगर मैं चाह रही हूँ कि ऊपर ये डियर मिस्टर, यहाँ ऊपर क्या है, एम्प्लॉय का नाम या स्टूडेंट का नाम, स्पेस, इंटर किया, फादर नेम, इंटर किया, ईमेल एड्रेस, इंटर किया, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद आपने क्या करना है, प्रीव्यू योर लेटर करने के बाद देखें, जो लिस्ट में नाम था, जो डिटेल थी, वो सारी आ गई, सही। ठीक है, ये था रिसिपिएंट वन का, अब टू के लिए आ गई, थ्री के लिए आ गई, फोर, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे वो सारे इसमें इंटर हो जाएंगे और सबके लिए इंडिविजुअल लेटर आ जाएगा। देखें आप, जहाँ जहाँ हमने फील्ड का नाम दिया था वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक खुद ही चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज पे आके अब सेंड करना है ईमेल के थ्रू, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, सेंड ईमेल मैसेजेस, ईमेल एड्रेस देकर ओके करोगे तो सेंड हो जाएंगे, ठीक है, सेंड एनीवेयर। अब ये जितने भी होंगे ना, जिनके पास भी होगा, वो वहाँ सेंड हो गए होंगे, ठीक है, अगर आपका आउटलुक का अकाउंट बना हुआ होगा, सही, क्योंकि आउटलुक के थ्रू सेंड होते हैं मैसेजेस। अभी देखो मुझे आउटलुक ब्लैंक होता हुआ नज़र आ रहा है ना, कि भाई ये बना हुआ नहीं है, इसको स्टार्ट करना है अपने, मैंने कैंसिल कर दिया इसको। अभी देखिए मुझसे पूछ रहे भाई प्रोफाइल बनाओ आप, तो ये मैसेजेस हम सेंड करें, अब देखें प्रोफाइल नहीं बना रही तो वो सबको डिलीट किए जा रहे हैं, नहीं सेंड कर रहा, देख रहे थे आप नाम चेंज हो रहे थे। और अगर आप इनको प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पे आ जाओगे, ओके करोगे तो ये प्रिंटर की डिटेल मांगेगा, ओके करेगा तो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने इंडिविजुअल इसको एडिट करना है, हर लेटर को इंडिविजुअल एडिट करना है, तो एडिट इंडिविजुअली, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, मर्ज रिकॉर्ड ऑल, ओके किया। अब ये देखें सब मर्ज होके आ गया मेरे पास, ये नेहा का लेटर, ये इकरा का लेटर और ये सना का लेटर। बात समझ आ गई आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो, कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये कल मैं आप लोगों से परफॉर्म करवाऊंगी।
आउटलुक पे अकाउंट मैंने कभी बनाया तो नहीं है। सिंपल आउटलुक पे आपको ये ईमेल वगैरह देनी होती है। आउटलुक 2016 ओपन करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोफाइल, प्रोफाइल नेम देते हैं। निम्रापित, ओके किया। अब ये देखें ईमेल अकाउंट है, ये आपसे आपका नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। निम्रा निम्रा m214@gmail.com। अब अगेन ये नाम मांग रहा है। ये जो है ना, ये देखें आउटलुक और वन नोट, ये भी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये भी यूज़ किए जाते हैं। आउटलुक है और छः छः सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ। तो ये भी एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये आपस में लिंक करते हैं। इस वजह से जो है जो ईमेल्स है ना वो आउटलुक के थ्रू सेंड होते हैं। अब मेल सर्वर मांग रहा है। अब मेल सर्वर का तो मुझे पता नहीं। अब मेल सर्वर का कुछ होगा लॉजिक, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अगर बनाऊंगी अकाउंट तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट करेंगे तो फिर पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर वो मैं देख लूंगी बनेगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी ये मेल मर्ज समझ आ गया। अच्छा, इसमें जो भी स्टार्ट की क्लास से लेकर अब तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर देते हैं हम। फाइल बटन देखा था हमने, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह कैसे लगाते हैं, फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव और सेव इसमें फिर क्या डिफरेंस होता है, ये सब। और होम टैब में आए थे तो होम टैब में हमने फॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल्स का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को राइट करना सीखा था, डॉक्यूमेंट को राइट करना सीखा था, उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं ये सीखा था हमने, ठीक है। और उसके अलावा इंसर्ट टैब में हमने क्या देखा था, कवर पेज, कि हम अपनी फाइल में कवर पेज कैसे लगाते हैं, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक्स कैसे करते हैं, टेबल को यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं। टेबल को यूज़ करके हमने CV बनाई थी, ठीक है, टेबल्स और शेप्स दोनों का यूज़ करके CV बनाई थी। टेबल्स का यूज़ करके हमने मार्कशीट डिज़ाइन की थी, टाइम टेबल डिज़ाइन किया था, और उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं टेबल का यूज़ करते हुए। उसके बाद पिक्चर्स देखी थी हम, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, अब पिक्चर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब पिक्चर है आपके पास तो उसको आप क्रॉप कैसे करते हो, उसको शेप में क्रॉप कैसे करते हो, सही। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद है शेप्स, शेप्स देखी थी हमारे पास, बहुत सारी शेप्स हैं, शेप्स को एडिट कैसे करते हैं, शेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये सब देखा था। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट हमारे पास जो है बहुत सारे होते हैं, हायरार्किकल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ये सब देखे थे हमने, ठीक है। इनकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इनका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये भी देखा था। उसके बाद चार्ट्स हैं, चार्ट्स को हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा शो करवाने के लिए, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। और जब चार्ट हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है जिसमें हम अपना डेटा इंटर करते हैं और यहाँ काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्रीनशॉट अवेलेबल विंडोज़, जो आपके पास बैकग्राउंड में अवेलेबल विंडोज़ होंगी वो आप
स्क्रीनशॉट उनका लेकर डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। स्क्रीन क्लिपिंग क्या होती है कि आप क्या करते हो, जो ओपन विंडो है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉप करके यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने कल विकिपीडिया देखा था, विकिपीडिया को हम किस तरह यहाँ इंसर्ट करवाते हैं, ऑनलाइन वीडियो को कैसे इंसर्ट करवाते हैं, हाइपरलिंक, हम किसी भी डॉक्यूमेंट की जो है वो लिंक कैसे बनाते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बुकमार्क देखे थे कल। बुकमार्क है कि आप जो है वो अपने फाइल में पॉइंट्स को मार्क करके रखते हो और बाद में आप उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स, क्रॉस रेफरेंस भी बुकमार्क की तरह ही है, तो जब हम बुकमार्क यूज़ करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ये भी बता दूंगी। कमेंट्स किस तरह हम करते हैं, हेडर फूटर, पेज नंबर किस तरह इंसर्ट कराते हैं, टेक्स्ट बुक है, क्विक पार्ट्स हैं। अब क्विक पार्ट्स क्या होता है आपके पास, जैसे यहाँ मुझे अभी नहीं पता कि मुझे यहाँ कुछ लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो क्विक पार्ट्स पे आऊँगी। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आपके पास, ठीक है, अब ऑथर का नाम लिखना है, अभी मुझे नहीं पता लेकिन मैं बाद में लिखूँगी, या कंपनी एड्रेस है, ठीक है, कंपनी एड्रेस मुझे यहाँ लिखनी है, तो कंपनी एड्रेस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास एक पार्ट बन गया कंपनी एड्रेस का, ठीक है, यहाँ आप बाद में जो है वो क्लिक करके लिख सकते हो, सही। इसी तरीके से अगर आपकी फाइल में यहाँ है क्विक पार्ट्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कमेंट्स ऐड करने हैं या कंपनी ईमेल देनी है या मैनेजर का नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ मैनेजर आ गया। अब बाद में अगर आपको मैनेजर का पता चल गया तो आप यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये क्विक पार्ट्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास वर्ड आर्ट, भी हमने देखा था, ड्रॉप कैप देखी थी, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि आप वर्ड पे ही रहकर दूसरे सॉफ्टवेयर को किस तरह यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने किया था। इक्वेशन है, सिंबल है, ये हमारी थी इंसर्ट टेप। उसके बाद है डिज़ाइन में, डिज़ाइन में आ जाते हैं हमारे पास थीम्स, ठीक है, स्टाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग किस तरह की है, कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग, इफेक्ट, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेआउट पे आए, लेआउट पे हमने पेज का सेटअप देखा, पैराग्राफ देखा, अरेंजमेंट देखी। रेफरेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तो टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने देखा था, इंसर्ट फुटनोट, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन, ये सब हो गया। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो क्या है, एक है ये क्या कहते हैं किटेशन, एक किटेशन रह गया, और दूसरा जो है ये मेल मर्ज। इसमें तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था वो मेल मर्ज ही था, बाकी ये जो जितने भी फील्ड हैं ये इसी मेल मर्ज के यूज़ होते हैं, लेकिन जिस तरह प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता है, जिस तरह लिखा जाता है, वो सारे मैंने स्टेप्स आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रिव्यू टैब है। अब रिव्यू टैब में क्या है आपके पास, ग्रामर चेक है, वर्ड काउंट है, ट्रांसलेट और लैंग्वेज है, ठीक है, न्यू कमेंट्स हैं, ट्रैक चेंज है, ये भी हमने देख लिया था, ट्रैक चेंज में हमने इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये देखा था। तो काफ़ी हद तक जो है वो हमने डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इसको। अब उसके बाद है आपके पास वर्ड में रीड मोड, ये प्रिंट लेआउट मोड है, अगर आप इसको रीड मोड करना चाहते हैं तो ये तरीका भी है, और दूसरा है यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं आपके पास, ये रीड मोड, लेआउट मोड, ठीक है। ये जूम है, 100 पेज जो है वो आपका 100% है, पेज विड्थ कितनी है, 1 पेज है, ठीक है। तो ये सब है आपके पास, जो इम्पोर्टेंट था वो सब हम कवर कर चुके हैं। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम एक दफा जो आपने इमेज को बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया था वो सिखाएगा एक दफा, बैकग्राउंड इमेज का, ठीक है, अभी कर देते हैं। कंट्रोल एन किया, हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया।
पिक्चर्स कहाँ पड़ी हुई है, ड्राइव में आ गए हम। ये पिक्चर ले ली मैंने, इसको इंसर्ट कराया, इसको सबसे पहले हम रेप्टेक्स करके स्क्वायर कितने हैं इसका, अच्छा ये रहा, जैसे हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो ना उसके सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर्मेटिंग के, रिमूव बैकग्राउंड करना है सिंपल, आता है रिमूव बैकग्राउंड के। अब देखें जो पार्ट रिमूव होना होता है ना बैकग्राउंड का, वो सारा पर्पल हो जाता है, लेकिन यहाँ मेरे पास इसकी शर्ट भी पर्पल हो रही है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ मार्क एरिया टू रिमूव, मैं उस एरिया को मार्क करूँगी जो रिमूव हो, ठीक है, तो वो पर्पल। और मार्क एरिया टू कीप, अब उस एरिया को मैं मार्क करूंगी जो मुझे रखना है, मैंने इसको मार्क कर लिया, अभी देखें ये क्रॉप नहीं होगा, और मैंने इसको मार्क कर लिया ये भी क्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके, तो ये अब जो है ना मेरे पास सिर्फ गर्ल की पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है, और बाकी जितना भी बैकग्राउंड है ना वो पर्पल हो गया, ठीक है। अब कीप चेंजेस में मैं क्लिक करूंगी तो देखें वो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। समझ आया? जी सोमिया, तो आपका सवाल था कि टेबल ऑफ कंटेंट मैं आपको दोबारा बता दूं, इस डॉक्यूमेंट पर अपने कंट्रोल एन किया, ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया मेरे पास। हेलो, आवाज आ रही है? जी, नाना आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ है, मैं चाह रही हूँ नीचे अब मैं ना एक बुक लिखना चाह रही हूँ पर्स के, ठीक है। तो अब उसमें जो उसका कंटेंट होगा ना, जैसे हम बुक खरीदते हैं जब उसको ओपन करेंगे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास उसका कंटेंट आता है, चैप्टर वन फिर वो इस पेज पे है, चैप्टर टू इस पेज पे है, चैप्टर थ्री इस पेज पे है, उसका नाम क्या है, ताकि हमें सर्च करने में आसानी हो, उसको पढ़ने में, उसको डायरेक्ट अगर हम चैप्टर फाइव पे जाना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट वो पेज ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो सही, तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। अब हमारे पास क्या है, रेफरेंस की टैब है, यहाँ आप आओगे और यहाँ आपके पास है टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करके आप ऑटोमेटिक टेबल पर क्लिक करोगे और ओके करोगे। तो देखो ये मुझे क्या बता रहे हैं, नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, ठीक है, अभी कोई भी एंट्रीज मेरे पास फाउंड नहीं हो रही सही। अगर मैं नीचे आती हूँ और यहां से मैं अपना चैप्टर वन लिखना स्टार्ट करती हूँ, होम पे आई, हेडिंग वन ली मैंने, मैंने नाम दिया चैप्टर वन, चैप्टर वन का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, ठीक है, ये मेरा चैप्टर वन। अब इस चैप्टर वन में पूरा कंटेंट होगा मेरा सही, मैंने कंट्रोल रेंट आई लिख दिया सही, और F4 प्रेस किया तो ये मेरे पास समझे चैप्टर वन जो है वो लिखा सही, यहाँ तक ये था मेरा चैप्टर वन। अब यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर टू सही, मैंने लिखा चैप्टर टू MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड लिखने के बाद
ये था मेरा चैप्टर नंबर 2। यहाँ मैंने लिखा चैप्टर 3 एमएस एक्सेल, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा, अब उस चैप्टर में जो कुछ भी है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब आ गया चैप्टर, सॉरी हेडिंग लेंगे हम, चैप्टर 4 एमएस एक्सेस, ठीक है, इक्वल टू F4 प्रेस करेंगे तो रिपीट एक्शन होगा। ये हो गया 4 चैप्टर, ठीक है। अब अगर चाहो इसी तरीके से आप आगे मजीद चैप्टर्स बना सकती हैं, लेकिन आप फ्रंट पेज पे अपने आ जाएंगे फर्स्ट वाले। अब यहाँ कंटेंट पे क्लिक करोगे और अपडेट टेबल करोगे। अपडेट टेबल किया तो देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक कंटेंट बन गया, सही। चैप्टर वन कौन सा, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, पेज नंबर 2 पे है। चैप्टर 2 एमएस वर्ड, पेज नंबर 6। चैप्टर 3 एमएस एक्सेल, पेज नंबर 9। चैप्टर 4 एमएस एक्सेस, पेज नंबर 12। अब मुझे चैप्टर 3 रीड करना है तो मैंने इस पर कर्सर रखा, क्या बोल रहे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ऐसा लिंक काम करता है ये। तो कंट्रोल, और इसको आप कंट्रोल को जैसे ही प्रेस करोगे ना एरो देखे चेंज हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपको चैप्टर नंबर 3 पे ले जाएगा, ठीक है, समझ में ही बात। ये कंट्रोल सी क्यों हो गया। अब अगर चैप्टर 4 पे जाने तो कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो चैप्टर 4 पे आ जाएंगे हम। और कोई सवाल है, क्योंकि कल तक ये खत्म हो जाएगा, एमएस वर्ड एक दो चीजें ही रह गई हैं। तो अगर आज कोई सवाल वगैरह हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर कल मैं सवाल पूछूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो सब दे दिए, सिर्फ दो नहीं दिए, एक सीवी वाला नहीं दिया होगा और दूसरा उसमें ट्रैक चेंज वगैरह छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई थी, वो दो रहते हैं ना, वो दो भी आप लोगों को इंशाल्लाह कल तक मिल जाएंगे। बाकी कल का लेक्चर भी मैंने सेंड कर दिया था और ये वाला भी अभी मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अब साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने का तो लेक्चर रह जाता है। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बाकी सारे लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगी और जो चीज़ नहीं समझ आती तो कल के दिन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कल संडे है, फ्री होती हूँ। और ये लेक्चर भी आप 10-15 मिनट में आपके साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।